आप सभी का स्वागत है फ्री स्टडी चैनल पर। ठीक है, अभी जो वैकेंसी निकल करके आई है वो है सरदार वल्लभ भाई जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कहाँ पर? सूरत में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है। कितनी वैकेंसी निकली हुई है, पेपर कैसे होगा उसका? पेपर मतलब डायरेक्ट है या पेपर उसका होगा? ठीक है, और कैसे सिलेक्शन है, क्या इसका प्रोसीजर है, पूरा फॉर्म को कैसे फिल करना है? और यहाँ पर मैं ये बात करने वाला हूँ, पे स्केल क्या रहने वाला है, उनका पे स्केल और क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर मैं सारी करने वाला हूँ। तो आप अगर चैनल पर आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि तो मैं इसमें सारे की पॉइंट्स जो हैं सैलरी वगैरह के, प्रमोशन के, सभी के मैं इसमें बता दूंगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है और किस तरीके से इसको अप्लाई करनी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, सारे मैं इसमें एक्सपेक्ट जो है, जो भी एक्सपेक्ट होंगे, सारे एक्सपेक्ट की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ इस क्लास को। जो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन निकला था 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च को जो निकला था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो आता उसमें निकला था, और इसका नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम जो चैनल है उधर मैंने इसको डाल दिया, जो फ्री स्टडी के नाम से। ठीक है, अब जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो वैकेंसी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की। अब ये नॉन टेक्निकल है, ठीक है, पहली बात ये। और ये जो है वो आपको जो सिलेक्ट किया जाएगा वो ब्राइट डायनेमिक एंड एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन। ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, और ये जो है जो नॉन टेक्निकल है, ऑन लिखा हुआ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब कि इसका कोई पेपर वगैरह नहीं होने वाला, ये डायरेक्ट होगा रिक्रूटमेंट, मतलब इसके लिए आपको कोई पेपर नहीं देना होगा। ठीक है, ऑन वेरियस डिपार्टमेंट सिलेक्शन इंस्टीट्यूट। अब इसमें पोस्ट की बात करते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी निकली हुई है इसमें। पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सीनियर टेक्नीशियन की निकली हुई है, जिसका लेवल है, पे लेवल है 4 का। ठीक है, जिसमें 2400 ग्रेड पे का है, और अपर लिमिट जो मैक्सिमम लिमिट है इसकी पे, मतलब इसको ज्वाइन करने की, वो 33 ईयर की रख रखी, और यहाँ पर रख रखी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर इसकी वैकेंसी की बात करूँ, और सीनियर टेक्नीशियन की, और पोस्ट वाइज अगर वैकेंसी की बात करूँ, तो केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री में आपके पास, ठीक है, डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। तो जनरल में यहाँ पर एक सीट देखने को मिलती है, और एससी में 0 और एसटी में 0, और ओबीसी में यहाँ पर एक सीट है। ठीक है, टोटल मिलाकर देखें तो 2 सीटें बस निकली हुई हैं, बस 2 ही सीटें यहाँ पर। ठीक है, अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किसी ने डिप्लोमा वगैरह किया है या आईटीआई किया है, ठीक है, वो मैं आपको क्वालिफिकेशन नीचे बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर पोस्ट देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, यहाँ पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस की, यानी कि इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शन वालों के लिए एक सीट निकली हुई है, बस उन्हीं के लिए है। अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वाले भर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं इसको। तो टोटल जो वैकेंसी है, यहाँ पर 5 वैकेंसी निकली हैं। ठीक है, टोटल नहीं, जनरल में वैकेंसी 5 निकली हुई है। एससी की बात करें तो 1 वैकेंसी निकली हुई है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 7 हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ, यहाँ पर तो 1 वैकेंसी आपकी जनरल में देखने को मिलती है, और एक जो वैकेंसी है वो ओबीसी में देखने को मिलती है, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करी जाए, तो एक जो है वैकेंसी निकली है वो जनरल में निकली है। ठीक है, और वही है, बस एक ही टोटल वैकेंसी एक है, और बाकी अगर हम टोटल वैकेंसी देखते हैं जनरल की, तो 8 है, और वैसे अगर टोटल निकाल के देखते हैं तो 13 यहाँ पर वैकेंसी मिल रही है। ठीक है, जिसमें से 1 पोस्ट जो होगी वो रिजर्व होगी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अगर वहीं मैं बात करता हूँ, वो तो सीनियर टेक्नीशियन की बात थी, अगर मैं टेक्नीशियन की बात करूँ यहाँ पर, तो उनका जो लेवल होगा, पे लेवल, वो मतलब लेवल 3 का होगा, और वो जो अभी आपने देखा था वो 2400 का था ये। ठीक है, ग्रेड पे का, और ये 2000 ग्रेड पे का है। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज जिसकी 27 है वो इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर एक सीट जनरल की है, एक सीट एससी की है, और एक सीट ओबीसी की है, टोटल सीट यहाँ पर 3 है। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करी जाए, तो जनरल में यहाँ पर 5 सीटें हैं, और एससी में 1 सीट है, और ओबीसी में 1 सीट, टोटल सीटें यहाँ पर 8 हैं। अगर वहीं बात
इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाला भी भर सकता है इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी भर सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग वाला भी इसको भर सकता है। अगर यहाँ पर जनरल वालों की बात करी जाए तो 4 सीटें यहाँ पर जनरल की हैं और OBC की 1 सीट है, और EVS की यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए यहाँ पर 1 सीट है। तो टोटल सीट यहाँ पर 9 सीटें हैं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करी जाए यहाँ पर, तो जनरल वालों के लिए 2 सीट निकली हैं और OBC वालों के लिए 1 सीट, टोटल मिला के देखी जाए तो 3 सीटें यहाँ पर निकली हुई हैं। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर जो सीट निकली है जनरल में, वो 1 सीट निकली है, ठीक है, सॉरी, और SC में 1 सीट निकली है, और टोटल अगर देखी जाए तो 2 सीटें निकली हैं। आंकड़ा तो जो सीटों का है वो काफ़ी गिरता जा रहा है, ठीक है, समय के साथ साथ, मगर जो जितना निकल रहा है उसमें आपको अप्लाई करना है और अपना बेस्ट उसमें देना है उन जो जॉब को पाने के लिए, ठीक है। इसको ज्वाइन करना है, इसको कैसे ज्वाइन करना, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, वो उसकी बात अब हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन में भी ऑनलाइन ऑनलाइन भी कर सकते हैं थ्रू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, उनकी वेबसाइट है ये भी, इसका मैं लिंक जो है वो आपको जो अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ दे दूंगा, या टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर आपको इसका PDF तो मिल ही जाएगा। कह रहा है जो आप ये फॉर्म भरोगे, द एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शेल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड समरी रिजेक्ट। कह रहा है कि अगर कोई और दूसरे तरीके से अगर आप भेजते हो, जैसे मेल वगैरह करते हो, ईमेल वगैरह, तो वहाँ से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और जो इसकी लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 26 अप्रैल, ठीक है, शाम के 5 बजे तक। तो मैं कहता हूँ अगर ये, तो आप इसको 25 या 24 या 20 तारीख से पहले ही इसको भर दिया जाए तो सही रहेगा, ठीक है। 6 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं मतलब, ठीक है, और जो है साइन कंप्लीट कॉपी एट सूरत, ठीक है। बाकी चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह। ठीक है, ये वही है जो अभी मैंने बताया आपको। अब इंस्ट्रक्शन है कि एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, अभी जो मैंने बताया वही प्रोसीजर है यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन फ्रॉम ड्यूली साइंड सेल्फ अटैच डॉक्यूमेंट द फाइल इज डाउनलोड। कह रहे जो आपने जो फाइल भरोगे, जो मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, ठीक है, वेबसाइट पर, द फाइल डाउनलोड, उसको डाउनलोड करनी है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन को, और फिर उसको साइन करना है सेल्फ अटैच, जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट को, रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ अटैच करना है, फिर उसकी एक कॉपी भेज देनी है स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से, कहाँ पर, डिप्टी रजिस्ट्रार सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वहाँ पर इसको भेज देनी है, ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, गुजरात में ये जो है वो आपका जाएगा। तो गुजरात जब आप लेटर भेजोगे ना, तो लेटर के पीछे अपना एड्रेस भरना होता है, ठीक है, लेटर्स के सामने उनका एड्रेस भरना होता है, उनका पिन कोड भी नीचे लिखना होता है बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ पर ये जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि लास्ट डेट कब है, ठीक है, जो कि मैं बता चुका हूँ। और इसमें एक और बात, जब आप लिखोगे ना लेटर पर, तो लेटर पर बड़ा बड़ा आपको ये लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पर इतना लिखने के बाद यहाँ पर पोस्ट लिखनी है, ठीक है, फिर एप्लीकेशन जो ID नंबर है तुम्हारा वो यहाँ पर लिख देना। जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन तो आपको एक ID मिलेगी, तो एप्लीकेशन ID होगी वो यहाँ पर फिल कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसीजर रहेगा। एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ठीक है, और एज रिलैक्सेशन वो अभी बात होगी नीचे जाके, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। अब जो मेन है उसी की बात करते हैं बगैर टाइम गवाए। हाँ जो डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे वो लगेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो सर्टिफिकेट इसके साथ भेजना है, एक तो 10वीं की मार्कशीट भेजनी है जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ का काम करेगी, ठीक है, या 12वीं की हायर स्कूल की हो या हो 12th की, ठीक है, ये बोर्ड ऑफ मार्क्स शीट, ठीक है, इसकी सर्टिफिकेट भेजना है, इसका मतलब जो मार्कशीट है वो भेजनी है। यहाँ पर अगर आप पे अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो या ITI हो या डिप्लोमा हो, तो उसकी जो मार्कशीट है वो, ठीक है, अकेडमिक ईयर की भेज देनी है, ऑल अकेडमिक ईयर, मतलब कि
हर साल की भेज देनी है। जिसकी सेमेस्टर वाइज होगी वो सेमेस्टर वाइज मतलब भेजेगा, और जिसकी ईयरली होगी वो ईयरली वाइज भेजेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर ईयरली लिखा हुआ है, तो वैसे पहले सेमेस्टर वाइज हुआ करते थे, अब ईयरली होते हैं, ठीक है। और SC ST वालों की बात करी जाए, या EVS या EWS या OBC की बात करी जाए, तो इनको अपना एक जो है वो जो सर्टिफिकेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर भेजना होगा। और जो जो जॉब करते हैं पहले से, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू कराना होगा, ठीक है। बाकी यही है। और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपको मार्क्स दिए होंगे वो कई बच्चों के 10th में CGP में होंगे, ठीक है। तो उनको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर आपको उसको कन्वर्ट कर देना नंबर्स में, ठीक है। तो वहाँ पर वो फिल किए जाएंगे नंबर्स, ठीक है। बाकी जितना इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको सारा बता देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जितना भी इम्पोर्टेंट जो मेरे को लग रहा है वो मैं बता चुका हूँ कि इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, लेटर को भेज देना है, पहले ऑनलाइन भरना है, फिर उसको डाउनलोड करके ऑफलाइन इस एड्रेस पर भेज देना है। अब यहाँ पर फीस की बात आ रही है, फीस की बात आती है कि फीस कितनी इधर पे करनी है। जो एप्लीकेशन भरने की फ़ी है यहाँ पर जनरल और EWS और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, वो 1,000 रुपये यहाँ पर नॉन रिफंडेबल फीस को पे करेंगे, ठीक है। और SC ST और PWD या फीमेल की बात करी जाए, तो वहाँ ये जो है वो बंदे फीस को नहीं भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। किन के लिए नहीं है, SC वालों के लिए है, ST वालों के लिए, PWD जो कैंडिडेट होते हैं या फीमेल्स जो कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए यहाँ पर फीस कोई भी नहीं रखी गई है। और जो ये फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, मतलब एक बार भर दी जाएगी, फ्यूचर में अगर कैंसिल भी होती हैं तो आपके वो पैसे हैं वो वापस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी और चलते हैं आगे, देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। जो पोर्टल है वो जो ओपन है वो 16 मार्च को हो जाएगा, और 26 अप्रैल को उसकी लास्ट डेट है, ठीक है, एप्लीकेशन की। और लास्ट सबमिशन डेट जो है वो 6 लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्या देगा, ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 6 मई। अच्छा, जो हार्ड कॉपी आप भेजोगे उसकी लास्ट डेट है वो 6 मई है, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी जब आप पोस्ट करोगे तो स्पीड उसे स्पीड पोस्ट से कर देना, ताकि वो जो है वो 3 से 4 दिन में वहाँ पर चली जाए, ठीक है। स्पीड पोस्ट से उसको कर देना आप। उसका चार्ज करीबन 42 रुपीज़ कुछ आता है, ठीक है। बाकी आप जो डॉक्यूमेंट लगाओगे उसके वेट के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आती है क्राइटेरिया, यानी कि क्वालिफिकेशन की बात आती है, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखते हैं, टेक्नीशियन का यहाँ पर बात हो रही है, सीनियर टेक्नीशियन की अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अगर टेक्नीशियन की बात करते हैं, पोस्ट नेम है टेक्नीशियन है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ पर मैंने बता दी थी, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं पे स्केल की बात करूँ, तो आपको जो पे स्केल है वो 2000 का पे स्केल रहता है, ठीक है, जिसमें से आपको 20,000 कुछ सैलरी इन हैंड मिलती है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ, तो एज लिमिट 27 ईयर थी, ठीक है, किसके लिए, टेक्नीशियन के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी जो 5 ईयर की रिलैक्सेशन है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनको मिलती है, ठीक है। अब जो एजुकेशनल ऑफ अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उसका जो क्वालिफिकेशन है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए 12वीं पास, ठीक है, साइंस से होना चाहिए, 60% मार्क्स आने चाहिए उसके, या वो होना चाहिए 12वीं पास, ठीक है, कोई भी सरकारी स्कूल से, कोई भी मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से, सरकारी हो या प्राइवेट, मगर उसके जो 50% मार्क्स है उसमें आने चाहिए, और 1 साल का ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, या उनके पास होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट, उसमें 60% उनके नंबर होने चाहिए, और ITI का 2 साल का जो उनका कोर्स होता है, जो उनकी ट्रेड का कोर्स होता है, उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 2 साल वाला। या अगर मैं बात करूं, जो डिप्लोमा वाले हैं वो उनके पास 3 ईयर का जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है, मतलब जो डिप्लोमा डिग्री उनकी होती है, तो वो यहाँ पर उसको लगा सकते हैं, ठीक है। एज वगैरह का मैं बता चुका था। अगर यहाँ पर बात करते हैं कि सीनियर और मैं ये टेक्नीशियन की बात, सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की बात करता हूँ,
तो टेक्नीशियन में क्या है कि 75% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और 25% क्या करेंगे, जो 25% है जो प्रमोशन होंगे, वो वहाँ पर जो काम करते होंगे वो वहीं पर प्रमोशन हो जाएंगे, ठीक है, वो भी फिल करेंगे इस फॉर्म को, तो उनका भी उनका प्रमोशन हो जाएगा, यानी कि 25% बच्चे तो इनको प्रमोट किया जाएगा और 75% डायरेक्ट को रिक्रूटमेंट किया जाएगा, ठीक है। बाकी यही है और चलते आगे, ठीक है। अब ये आ रहा है सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन की जो क्वालिफिकेशन है वो आई हम यहाँ पर देखते हैं। क्वालिफिकेशन जो है वो सेम ही है यहाँ पर, ठीक है, ये आप देख सकते हो। सीनियर टेक्नीशियन की बात हो रही है, पे स्केल यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है, 2400 पे स्केल है, यानी कि आपके जो वहाँ पर अगर आपके हाथ में इन हैंड 19,000 आ रही होगी तो यहाँ पर ये 20,000 हो जाएगी आपकी सैलरी, ठीक है। और एज लिमिट जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का था वो 23 ईयर था, ठीक है, 23 साल के हो, 23 साल से कम हो या 23 साल के हो तो भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, बिल्कुल क्वालिफिकेशन सारी यहाँ पर सेम है। अब वहाँ से मिलाकर देख सकते हो, मैं सब बता दिया, मैंने ये भी बताया आपको, ये भी बताया, ये भी बताया और ये भी बताया, सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम है, ठीक है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर जो चेंज है वो चेंज है इसका, जो प्रमोशन है और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसका प्रमोशन है, कह रहा 50% तो प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है, और 50% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। द मैटर ऑफ रिक्रूटमेंट वेदर बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेप्यूटेशन और ट्रांसफर परसेंट एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड, ठीक है। डेपुटेशन बेस पर भी जो होगा इनका ट्रांसफर होगा वो भी 50% प्रमोशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये सैलरी वगैरह है और जितने भी सारे पॉइंट थे वो मैं मैक्सिमम बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बात होती है कि यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है जो आपके केमिकल इंजीनियरिंग के लिए लगेगा, आईटीआई की बात करूँ तो केमिकल प्लांट का ट्रेड से करनी चाहिए, या जो केमिकल प्लांट आपकी ट्रेड होनी चाहिए, या केमिकल ट्रेड होनी चाहिए, या केमिस्ट्री की आपकी ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, जिसका आपको आईटीआई से 2 साल का सर्टिफिकेट मिला हो। अगर बात करूं पॉलिटेक्निक में, ठीक है, पॉलिटेक्निक में केमिकल इंजीनियरिंग करी होनी चाहिए, 3 साल का उनके पास डिप्लोमा का जो डिप्लोमा मिलता है वो होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर का, या कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का, या होना चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का, या वेब डिजाइनिंग का, या हार्डवेयर टेक एंड नेटवर्क एंड ADM का, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, या इंफॉर्मेशन टेक एंड सिस्टम मेन का होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ITI की, ठीक है, वो तो मैंने डिप्लोमा ITI के ऊपर भी बात करी है, ठीक है, ये ITI का ही था, ये जो मैंने अभी बताया है ये जो ITI का था, ITI ट्रेड के जो कोर्स होते हैं वो ये मैंने बताए थे, यहाँ पर भी वही कोर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होना चाहिए, वेब डिजाइनिंग की होनी चाहिए, या है, ठीक है, या आपको कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, या वेब डिजाइनिंग होनी चाहिए, या हार्डवेयर टेक एंड नेटवर्किंग एंड ADM होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक, इनमें से कुछ भी एक होना चाहिए जिसके जिसका आपको 2 साल का जो सर्टिफिकेट है वो ITI से मिला हो। अगर तो डिप्लोमा में चाहिए आपको कंप्यूटर जो साइंस है वो किया होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सर्टिफिकेट होता है वो कोई भी पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मिला होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं बता दूं यहाँ पर ITI की कौन कौन सी ट्रेड अप्लाई कर सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट जो इंजीनियरिंग है उसके लिए। एक तो यहाँ पर जो ट्रेड है वो इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं, वायरमैन वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेन वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड हो गई। अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा में आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स,
वो बंदे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो वो बंदे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें और ट्रेड की, तो इंस्ट्रूमेंट्स आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल्स का आता है एक, जो ट्रेड होती है, या इंस्ट्रूमेंटेशन, और जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन जो जो रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक है वहाँ से आपको 3 साल का जो डिप्लोमा है वो मिला होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या तो वेल्डर आपकी ट्रेड होनी चाहिए, या टर्नर होनी चाहिए, मशीनिस्ट या मैकेनिकल डीजल होनी चाहिए, या पंप मैकेनिक होना चाहिए, या रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर होना चाहिए, ठीक है, या मैकेनिक फिटर सीएनसी ऑपरेटर, इनमें से कोई सी भी आपकी एक ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, जिसका आपको 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट मिला हो। अगर डिप्लोमा की यहीं पर बात करूँ, तो यहाँ पर जो मैकेनिकल की या मैकेनिकल या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल, ठीक है, इनमें से किसी भी ट्रेड का आपको डिप्लोमा मिला होना चाहिए 3 साल का, ठीक है। बाकी अगर सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो ट्रेड होनी चाहिए वो प्लम्बर होना चाहिए या सुपरवाइज़र होना चाहिए, ठीक है, ये 2 ट्रेड यहाँ पर दी गई हैं आईटीआई वालों के लिए। बाकी अगर मैं जो डिप्लोमा वालों की बात करूँ, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, और जो उनकी ट्रेड है वो होनी चाहिए, उनका उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। बाकी अगर केमिकल इंजीनियरिंग, ये सीनियर पोस्ट होगी, इनके लिए भी सेम ही है, ठीक है, और जो सीनियर पोस्ट है वो डिजायरेबल कौन होंगे, बीएससी वाले भी होंगे, ठीक है, और बीटेक वाले भी होंगे, ठीक है, वो भी इन पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो सीनियर पोस्ट के लिए ये यहाँ पर है, ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें, ठीक है, बाकी ये तो मैं बता ही चुका हूँ सारे, बस यही है, ठीक है, फिर अब ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आ जाएंगे, तो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, ठीक है, नोटिफिकेशन से अगर आपको कोई भी जानकारी मिली हो तो चैनल को जो हमारी वीडियो है उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आपको सारे नोटिफिकेशन का अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा, तो इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। बाय बाय।